हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में और मार्केट के स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे और कुछ न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो मंडे को उस न्यूज़ के आधार पर कौन सा शेयर भागेगा और कौन सा शेयर गिरेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो निफ्टी 50 कैंडल चार्ट देखेंगे। निफ्टी 50 कैंडल का अभी वन डे कैंडल चेक करेंगे। निफ्टी 50 का वन डे कैंडल ये हुआ और ये जो तीन लाइन लगा हुआ है वो ये हुआ बॉलिंजर बैंड का तीन लाइन है। बॉलिंजर बैंड का हमेशा याद रखिए, जो अपर बॉलिंजर बैंड है वहाँ पर ओवरबॉट जो बोला जाता है, मार्केट का जब कैंडल स्टिक पैटर्न ओवर में पहुँच जाता है, अपर बैंड को टच करता है, तो कम से कम उसको नीचे आना पड़ता है। और नीचे कहाँ तक, मिड बॉलिंजर बैंड तक आता है। तो मिड बॉलिंजर बैंड अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको ये मान के चले जो लोअर बॉलिंजर बैंड है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो अभी का जो स्ट्रैटेजी हम देख पा रहे हैं जो मार्केट का, ये हुआ 14,936.35 के आसपास में क्लोजिंग दिया हुआ है और यहाँ से नीचे जो बॉलिंजर बैंड है 14,770 के आसपास। अगर मार्केट का अगर चार दिन का नेगेटिव कैंडलस्टिक अगर इतना बड़ा हो चुका है, हम मनी कंट्रोल में हम देख सकते हैं वो जो एक सिंगापुर निफ्टी मंडे को सुबह 6:30 बजे किस तरह रिएक्शन देते हैं। अगर वो पॉजिटिव खोलते हैं तो आपको यहाँ पर याद रखिए, जिस पर क्लोजिंग दिया है वही आपका सपोर्ट जोन हो गया। वो अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको 14,750 तक आना पड़ेगा निफ्टी 50 को बड़ा कैंडल। अगर 750 ये अगर नहीं ब्रेकआउट देता है, अगर आप सिंगापुर मार्केट पॉजिटिव रहा तो आप मान कर चलिए यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। रिवर्सल पैटर्न यानी छोटा कैंडल बन सकता है। ये हुआ निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 का चार्ट में आप हमेशा याद रखिए, 15,000 क्रॉस करने के बाद 15,000 आपका सपोर्ट जोन हो गया और 15,000 के ऊपर जितना ऊपर जाएगा वो आपका बाइंग जोन हो गया। आप वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अब 15,000 ब्रेकआउट हो गया यानी आप वहाँ से एग्जिट हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है यानी सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखिए, ये हो गया निफ्टी 50 चार्ट। हम अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसे रिएक्शन होता है। तो निफ्टी 50 चार्ट गया निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक हुआ बैंकिंग शेयर का एक सेक्टर है। तो बैंकिंग शेयर में हम देख सकते हैं, ये भी देखिए मिड बॉलिंजर, इसका 34,500 के पास मिड बॉलिंजर बैंड है। अभी वो क्लोजिंग दिया है 35,841 यानी 1,000 पॉइंट को नीचे में उसका मिड बॉलिंजर बैंड का टारगेट है। तो आपको याद रखिए, अगर निफ्टी 50 पॉजिटिव खोला, इसका ये नहीं है जो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव खोलेगा तो आप इसमें भी बहुत सेलिंग प्रेशर होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है तो उसका प्राइस के हिसाब से 500-600 पॉइंट उसका मिनिमम रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मिड बॉलिंजर बैंड 34,500 शो कर रहा है, अगर जो आज का क्लोजिंग दिया है 35,841 का, अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो आपको मान के चले 1,000 पॉइंट का रैली नीचे की ओर आएगा फिर से, माने सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो आपको ये स्टॉप लॉस मान के चलिए 36,000 के ऊपर, जितना ऊपर रहेगा तो आपको पॉजिटिव माना जाएगा। 36,000 अगर ब्रेकआउट होकर फिर से नीचे आ गया तो फिर से एक रैली नीचे की तरफ दे रहा है यानी 34,500 के पास। अभी भी एक गैप है मिड बॉलिंजर बैंड को पहुँचने के लिए। अब देखेंगे सिंगापुर कैसे रिएक्शन करता है मंडे सुबह को। ये हो गया निफ्टी 50 मार्केट के स्ट्रैटेजी। आप हमेशा स्टॉप लॉस के साथ चलिए मार्केट में तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी रेस्पेक्ट देना है मार्केट में, ये आपका हमेशा जो लॉस को कवर करता है यानी कम करता है। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान देना है। ये हो गया निफ्टी 50 निफ्टी बैंक। हम निफ्टी 50 निफ्टी बैंक इसलिए बोलते हैं कि ये एक इंडेक्स है, इंडेक्स जैसे चलता है और मार्केट का जो सारा परफॉर्मेंस उसी के अंडर में होता है। जो स्टॉक परफॉर्मेंस करता है इंडेक्स में परफॉर्मेंस होता है, उसी के रिएक्शन में सारा चीज़ देखा जाता है। तो आपको अगर ये नेगेटिव यहाँ से दिखाई दिया तो यानी कुछ ना कुछ स्टॉक है नेगेटिव में रिएक्शन दे रहा होगा। तो हमको पहले इंडेक्स देखने से स्टॉक को मूवमेंट पता लग जाता है। तो ये हुआ मार्केट का स्ट्रैटेजी। मार्केट में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ चलिए तो हमेशा प्रॉफिट रहेंगे। तो अभी चलते हैं न्यूज़ बेसिक में, कौन सा स्टॉक जो 21 को आया है तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो चलते हैं,
ये एक स्टॉक एज एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में हम अगर देखेंगे बहुत बड़े एप्लीकेशन है, इसमें आप खुद यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत टाइप का परफॉर्मेंस दिया है, ऑप्शन दिया है, बॉटम दिया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं FIDIs का मूवमेंट देख सकते हैं, FIDIs में क्या क्या कितना सेल किया है, कितना बाय किया है, वो भी देख सकते हैं। तो हम ये सब बाद में आलोचना करेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो हमें न्यूज़ बेसिक में देखना है, न्यूज़ में क्या होता है, आज का न्यूज़ में क्या होता है। ये 21 फरवरी जो संडे को न्यूज है, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। PNB हाउसिंग फाइनेंस प्लानिंग टू राइज कैपिटल, 1800 करोड़ प्लान कर रहा है PNB हाउसिंग बैंक उसका कैपिटल फंड को बढ़ाने के लिए। तो यानी PNB हाउसिंग के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। और एक न्यूज है, जागरण प्रकाश जो स्टॉक है और बोर्ड टू कंसीडर द प्रपोजल बाय बैक फुल्ली पेड ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी सेकेंड मार्च को कुछ बाय बैक का ऑफर दे रहा है। तो प्रिपरेशन के लिए एक न्यूज बेसिक का पता लग गया। यानी जागरण प्रकाश का ऐसे कुछ ध्यान देना नहीं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट हैज सक्सेसफुल कंप्लीटेड एक्विजिशन 100% द इक्विटी शेयर कैपिटल कोटम एग्रोफूड प्राइवेट लिमिटेड। कोटक एग्रोफूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ 100% पार्टनरशिप हुआ है, प्रोडक्ट हैज सक्सेसफुल कंप्लीटेड हुआ है। टाटा कंज्यूमर कौन है, या TCS कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज। और एक है आइनक्स जो कंपनी होता है, वो जो सिनेमा हॉल मॉल जो उनका बिजनेस चलता है, तो वो क्या हुआ ना, मल्टीवैक्सिन थर्ट एंड टेकन द लीव लाइसेंस कोलकाता 20 फरवरी 2021 सिनेमा थिएटर 2 स्क्रीन। ये बोल रहे कि कोलकाता में 422 सीट वाला 2 स्क्रीन, एक सिनेमा हॉल में 2 स्क्रीन वाला एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खोलने जा रहा है। तो इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज, यानी PNB हाउसिंग, टाटा कंज्यूमर, INX रिसोर्स, ये तीनों स्टॉक आप नज़र में रखिए, उनका एक न्यूज आया है। तो ये हुआ न्यूज अपडेट, आप देख चुके हैं। तो मार्केट का स्ट्रैटेजी भी बता दिया, यही सब कारण मार्केट में मूवमेंट उतार चढ़ाव रहता है। तो आपको ये ध्यान देना है, कैसा रहा सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।